बसिया जन शुरू कर रहा हूं मैं बाबा फरीद सूफी संत हुए एक गालाखड़ा बिल्कुल ठीक नहीं है कि सिर्फ हिंदू धर्म में ही संत पैदा होते हैं, मुस्लिम धर्म में भी संत पैदा हुए हैं। उन्हीं में से उनका नाम था बाबा फरीद। अठवीं दे बच्चे पढ़ते ना हिंदी ते हिंदी विच आंदा हुंदा है ना परिचय हुंदा बाबा फरीद जी दा। बाबा फरीद जी वो थे जिन्होंने भगवान के दर्शन किए, उस परमात्मा दा साक्षात्कार किया। सामने बालिए दिखिया परमात्मा ने, उदे कने गल्लां कीतियां, अपने मना दा दुख अपने मना का दर्द उस परमात्मा ही सुनाया, उस ईश्वर की सुनाया। एक दर्द पुराना है बस उसे ही सुनाना है। तेरियां वे परवाहियां दाते आते साल उपर भी फूल जमदे जमदे जो उस परमात्मा की कृपा होती है। गुंगे भी बोलते हैं जो उस ईश्वर की कृपा होती है। लंगड़े भी पहाड़ चढ़ जाते हैं जब उस ईश्वर की अरे कृपा होती है। जब वो परमात्मा कुसा कोला नजरां फेरदा ना और फिर की हुंदा वंदे ते जदुनी मुसीबत आवे आंदियां
सप बन जांदियां गले दियां गानियां भी सप बनी जांदियां बंधु अपने दुश्मन बन जाते हैं अपने भाई अपने ही पुत्र लोकें दी ते गल छोड़ो तुस जा पर कृपा राम की होए ता पर कृपा करे सब कोए जदे ऊपर राम कृपा करदा उदे पर सारे कृपा करदे जदे कोला राम मुंह मोड़ी लैंदा ना उदे कोला सब मुंह मोड़ी लैंदे इसलिए उस ईश्वर की नमस्कार है बंधुओं आज कुसे चाचा है नहीं चाचा है लेकिन जिसी बड़ा बनाया ना उसी परमात्मा ने बनाया ये गल सच है जो राजा बनता है दुनिया उसके माथे पे बाद में तिलक करती है सबसे पहले उसके माथे पे भगवान तिलक करते हैं जिहड़ा ग्रां दा पैंच सरपैंच एमएलए डीडीसी जो बनया लोकें बाद विच उहदे मत्थे तिलक लाया पर लोकें कोला पहले उस परमात्मा ने लाया इसलिए जो राजा होता है जो पालन करता होता है उसको भगवान के समान ही संज्ञा दी गई है कई बारी मोबाइल दिखने या नहीं आस सोशल मीडिया दिखने या तो देश दा प्रधानमंत्री उदे खिलाफ कई लोग बड़ी गंदी लैंग्वेज बोला दे होंदे तो सुनिए बर्दाश्त नहीं होंदा ये नहीं कि अस उन्हें ही चाहने हैं मतलब जेड़ा देश दा राजा है उसी पहले परमात्मा ने उहदा मत्था तिलक लाया बंधु अस गाली उसी नहीं दिया दे अस परमात्मा ही गाली दिया दे क्योंकि फैसला परमात्मा दा ना इसलिए राजा की ना कोई जाति होती है ना उसका कोई धर्म होता है राजा को पालन करता कहते हैं जो पालन करता है जिहड़ा सारे दे इत दे विच सोची आ वो राजा है जो किसी का भला कर देवे वो राजा है एक बारी राजा हरिश्चंद्र जा दे एक बंदे ने पत्थर मारे और लौ निकली है राजे दी केडी वड्डी है ना अरे सिक्योरिटी होंदी है छपाई एक मिनटा पकड़िए राजे दे सामने ले आंदा महाराज ये वो बंदा है जिन्हें तुंदा सिर फाड़िया है तुंदी जान भी जाई सकती ही जो सजा देनी है इसी दियो वो राजा हरिश्चंद्र ने अशरफियों की थैली ली उहदी गोदी दे विच सुट्टी उड़ी मंत्री हैरान हो ये महाराज की कीता तुसी इस बंदे ने सिर फाड़िया इन्हें तुसी पत्थर मारिया और तू सोने दियां अशरफियां दी गोदी सुटा दे उन्हें आख्या आम दा वृक्ष होंदा ना उसी लोग पत्थर गै मार दे होंगे वृक्ष को सही पत्थर मारदा नहीं मारदा बदले विच के दिंदा मिठे मिठे अंब दिंदा मैं बही वृक्ष हूं इन्हें पत्थर मारे मी पता है लेकिन
मैं इसी सोने दियां अशरफियां दित्तियां, इन्हें मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। वे बंदा भुखा है नंगा है, कदें सारी उम्र कट्टी उड़दा नहीं है, भुखा नंगा नरक च बास होना है मेरा। क्यों? राज भोगने से नरक की प्राप्ति होती है और तप करने से राज मिलता है। मेरे देश में जिन्ने लोग भुखे मरगन ना, सारे का पार मेरे सिरा पर है। ये बंदा कदे भुखा रही आंदा, पूरी उम्र गरीबी दे बिच गए, ये कदे कट्टी उठदा, मेरी नरक की प्राप्ति होनी ही। उसी प्रणाम किया कि नरक कोला तू मी बचाई लिया है, ये पत्थर मारी है, मेरा ध्यान अपने वाली दा अरे आकर्षित कर लिया है। जे महाराज जो होर किस चाहिए तो होर भी ले आओ, जे किश होर चाहिए तो होर भी ले आओ, लेकिन मिगी आशीर्वाद देइया जायो, मैं सारे का कल्याण करा, मेरे देश च कोई भुखा नहीं रवे, मेरे देश च कोई नंगा नहीं रवे। मैं एक चीज सुना रहा, जे एक राजा का धर्म है, एक राजे का धर्म और प्रजा का भी कोई धर्म हो, प्रजा के करे अपने राजा की बदनामी करे, उसी गंदी गंदी गालां दे है ना, इन्नी स्वतंत्रता भी कोई बंदूक खरी फोड़े होंगे। हिंदुस्तान चाहते डेमोक्रेसी है, पर इस डेमोक्रेसी ने तो बेड़ा गर्क करी उड़िया है। मैं सुना दा कि एक राजा भी भगवान की तरह ही होता है और प्रजा इं ही होंगी जिया माँ प्यो दे तीं पुत्र ने। एक राजे ताए प्रजा इं होनी चाहिए और प्रजा ताए राजा इं होना चाहिए जिया एक माता ते जिया एक पिता। वियावान एक घोर जंगल विच कोई तपस्या करदा सी, बारह साल दी उम्र उस दी किसे को छे साल और सुते दे उठते हैं 8 बजे ते माँ क्या आदि फरीदा जल्दी उठ और नमाज पढ़ने ही जा। तो माँ ही आखदा माँ तू रोज मिगी तंग करनी है, नमाज पढ़ने कने की होंदा है? आखदी रब मिलता है। फरीद पुछदा जिल्लै रब मिलता और फिर की मिलता? फरीद की उम्र 6 साल है, इन्नी समझ फोड़े है। मां ने पाया लालच, जिल्लै रब मिलदा ना फिर शक्कर दी पूड़ी मिलदी, सच्चे मुच्चे शक्कर दी पूड़ी मिलदी है। हाँ ए मां मैं तुझे सुनाई देना, जदों मेरा रब मी शक्कर दी पूड़ी पे जगना, मैं भी उस दिन कोला नमाज पढ़ना शुरू करना है, पहले नहीं करना है। माँ दी अच्छा सही है, नहीं जा, जदों तेरा रब तू शक्कर दी पूड़ी पे जगना, उस दिन जाया नमाज पढ़ने का है। माँ ने शक्कर दी पूड़ी बनाई दूए दिन, फरीद सुते फरीद दसरे ने दे उड़ी, रुलकदी रुलकदी जल्द उसकी पिट्ठी बजी नहीं शक्कर दी पूड़ी। फरीद ने देखा मेरी पिट्ठी के बजा है, जल्द शक्कर दी पूड़ी दिखी, खोली शक्कर दी पूड़ी, खुश हुई है।
मेरे रब ने मी शक्कर दी पूड़ी भेजी फुड़ी, बड़ा खुश। और मां की आवाज मारदा है, हे मां मैं ज्यादा बच्चू कुत्थे ज्यादा फ्री तू कुत्थे ज्यादा आखा दा नमाज पढ़न ज्यादा फ्री दा की होया आदा मां रब ने मी शक्कर दी पूड़ी भेजी है। मां ने आख्या बच्चू जे भेजी है नी शक्कर खा और खुशी मना, पर एक गल और नहीं कुसे ही सुनाया, नहीं तो रब ने अज ते शक्कर दी पूड़ी भेजी है और कल शक्कर दी पूड़ी नहीं भेजनी है। रोज राती वेले माने शक्कर दी पूड़ी बनानी सरहण दे उन्नी फरीदा हथ मारना शक्कर दी पूड़ी आई फक्के मारदे मारदे ना नमाज पढ़ने ही जाना है। बच्चे को जन्म देना आसान है, बच्चे दे अंदर संस्कार ये पाना बड़ा मुश्किल है। माँ प्यो अपने गै होंदे ना जां बगाने होंदे ने, दादी दादा अपने गै होंदे ना जां बगाने होंदे ने, लेकिन अस लोग इन्नी गल नहीं सिखाई सके बच्चे ही। बच्चू सवेरे उठना अपने दादे दे पैरें ही हत्थ लाना, दादी दे पैरें ही हत्थ लाना, अपनी माँ दे पैरें ही हत्थ लाना, अपने प्यो दे पैरें ही हत्थ लाना। बच्चू शनान करना और लोटा जल लेना ते शिवजी भगवान दे उपर चढ़ाना। बच्चू साढ़ा एक कुल देवता है, शामी वेले एदे अगे दीया बालना है, जिहड़ा कुल देवते अगे दीया बालग और कुल देवता उहदे जीवन दे विच नेरा रौन दे रोशनी नहीं कर। साढ़े बच्चे दे जीवन दे अगे बंधु अंधेरा है नेरा है, इन्हें कोई समझ नहीं है किड़ा काम करचे किड़ा नहीं करचे की पे नेरा है। नेरा दूर कर दे शिवजी भगवान, नेरा दूर कर दे कुल देवता, जे उंदे अग्गे जाइए अस साढ़े बच्चे उंदे अग्गे दिया जलांगन थे। बंधुओ बच्चा सवेरे उठा और अपनी मां दे पैरें दे उपर सिर सुट्टी उड़ा, मां आशीर्वाद दे है उदा सिर चुके है। दो ग्रह शांत होंगे, एक चंद्रमा एक शुक्र। सवेरे बच्चा उठा अपने पिता दे पैरें दे उपर सिर सुट्टी उड़ा, पिता आशीर्वाद दे है और सिर चुके है। दो ग्रह शांत होंगे, एक शनि एक सूर्य। छे साल दा बच्चा हा बाबा फरीद, छे साल दा हा जिस वेले नमाज पढ़ लगा, अज उम्र हुई 12 साल। बच्चे दे उपर बड़ी जल्दी कृपा हुंदी है परमात्मा दी, बड़ी जल्दी हुंदी है। शास्त्री महाराज ने आख्या वो परमात्मा सारे मिली जंदे घोर तपस्या करिए, लेकिन बच्चे ही कदें इ'यां गै मिली जंदे। बच्चे दे उपर बड़ी जल्दी प्रसन्न होंदे परमात्मा। आए बाबा फरीद भी बच्चा है, 6 साल हुई आ नमाज पढ़दे। एक दिन सवेरे उठिया शक्कर दी पूड़ी पगड़ी दी रुआ दा, मां कोल आई, फरीद तुस रुआ दे की बच्चू, तुसें बुखार है, सिरा उपर हत्थ फेरे, नहीं मन करा दा जाने दा, नहीं जाओ। फरीद रो रहे हैं, मां ने पूछा फरीद जी तुस रुआ दे की,
हे मां ये शक्कर दी पूड़ी शैल नहीं लगती। बच्चू के शैल लगदा? आख्या शैल लगदा वो रब जिहड़ा शक्कर दी पूड़ी भेजदा ना, वो रब मिगी मिले, मी उसी दिखा, मी उहदे कन्ने गल्लां करा। शक्कर दी पूड़ी खाने मन नहीं करदा, हुण दिल यह करदा उहदे कन्ने गल्लां करा, उहदे कन्ने मिला, उसी दिखा। आवाज आ रही है पिछे नहीं है? आवाज आ रही पिछे? वो पिछले, वो पिछे नहीं आ रही है ना। बंधुओ इन्हें बच्चे जिया मर्जी लाओ, परमात्मा दे नां च लाई लाओ। जिन्हें बच्चे परमात्मा दे नां च तुसें लाई लिया ना, तुसें जित्ती लई बाजी। और जे तुंदे बच्चे परमात्मा दे नां विच नहीं लगे, फिर आपकी हार है। तुंदी भी हार है और तुंदे बच्चे दी भी बहुत बड़ी हार है। माँ प्यो का हथ सारी उम्र खोड़े रहा अपने बच्चे के सिरा के उपर जा रहा। एक वो दिन थे कहती थी जो भी माँ कहती थी। बड़े बड़े जेड़े बड़े बड़े ने ना, जिंदी 50 साल कोला उम्र हुई, लखा गम है, लखा दर्द ने, और अखें विचा एक अथरू नहीं डिगा रहा। अकाल पेदा इन्हें इन्हें अथरू है का। जे अथरू निकली आन आत्मा शांत हो या रूह शांत हो या, पर एक समय वो हा या निक्की जी गल होंगी ही ते रोई रोई है अखियों के अगू का आड़ बगाई उठते हे जदों माँ अपनी दे अगे आते। उस समय कोई गम नहीं था, कोई दुख नहीं था, लेकिन सुनने वाला कोई है ना, और उसी रोई रोई सुनाई लेंदे। आज जिंदी उम्र 50 कोला उपर हुई, वो कुसी सुनान बेचारे, वो कुसी सुनान। मैं सुना दा बच्चे दे सिरा दे उपर माँ प्यो ने सारी उम्र नहीं रोना, फिर साढ़े बच्चे की हो जाना, अनाथ हो जाना। लेकिन जे अपने बच्चे की औंगल अस परमात्मा के हथा च पकड़ाई उड़ गए नहीं, कुल देवते दे हथा च पकड़ाई उड़ गए, साढ़े बच्चे ने अनाथ नहीं होना। अस भावें नहीं भी रहोगे ना, साढ़े बच्चे के सिरा के उपर उस परमात्मा का हथ रहना। जो सिरा पर कुसा का हथ हों ना, वो अनाथ नहीं हों, बंधु वो अनाथ नहीं हों।
मेरी बात आओ, मैं चर्चा शुरू की ही। बच्चे की जन्म देना आसान है, संस्कार देना बड़ा मुश्किल है। मैं तो इतों तक आखना, जे तुंदा बच्चा नहीं पढ़ग कोई गल नहीं, फिर भी तुंदी हार नहीं हुई, बिगड़ना नहीं चाहिए बस नशे दी, अरे लत नहीं लगनी चाहिए बस। जे अपने बच्चे तुसे नशे कोला बचाई लिया ना, आपने बाजी जीत ली बंधुओ। बच्चा त्याड़ी भी लागनी, शामी आनी उन्हें तुंदे कोल पाउना, वो जे नशा करता हो तुंदी सुध बुद्ध लैग, तुंदा पता लैग, उसी ते अपने आप की खबर नहीं होनी, उन्हें तुंदी खबर लैनी है। मां जवान है, अली इन्नी बुढ़ी नहीं हुई, जवान है अली, सुरखी बिंदी अली फफदी है उसी, लेकिन अपने जागता दी चवरी बारखी अपने हथे करने पवा दी। इहदे कोला वड्डा और दुख की होना बंदू। तो मैं सुना दा, जे अपने बच्चे ही तुसे नशे कोला बचाई लिया, समझ लो तुसे बाजी जीती ली। बच्चा 100 कमाग, 50 कमाग, 500 कमाग उहदे बोझे च होने ने, और उन्हें अपने माँ प्यो कने बेहियै खाने ने, इहदे कोला वड्डा और सुख की होई सकदा है, इहदे कोला वड्डा और स्वर्ग और की होई सकदा, मिगी इह दसो बंदू। फरीद जी ने आख्या कि मां तेरी शक्कर दी पूड़ी शैल नहीं लगती, दिल करदा उस रब की दिखा, उस परमात्मा ही दिखा, उहदे कन्ने गल्लां करा, उसी अपने मना दा आलस ना। एक दर्द पुराना है, बंसी वाला मिल जाए, बस उसे ही सुनाना, अंदर फरीद रुआदा ते मां मेवे बंडा दी बोरियां दी बोरियां। लोग पुछा दे मेवे कह दे बंडा दी है, तेरे पुत्र दी नौकरी लगी है, तेरे पुत्र दा रिश्ता हुई है, छोड़ो रिश्ते सारी दुनिया दे होंदे, नौकरियां सारी दुनिया दियां लगदियां, बड़ी खुश है मां। वो भैणा पुछा दियां, ए भैण कह दे मेवे बंडा दी है, आखा दी मेरे फरीद की परमात्मा दी लगन लगी है, ईश्वर दी लगन लगी है। जो किश बंदा आपू ने ना करी पांदा, वो अपना आप अपने पुत्रा च दिखदा, जो किश आपू ने ना बनी पांदा, अपना जिहड़ा बच्चा हुंदा ना उहदे च दिखदा। फरीद दी माँ ही ना भी भगवान दी बड़ी भगत ही, उन्हें भी एक सपना दिखिया हा ब्याह कोला पहले, उस परमात्मा ही दिखना है, उस परमात्मा कन्नै गल्लां करनियां ने, लेकिन कुछ ऐसियां मजबूरियां, कुछ ऐसे हालात पैदा हुई, विवाह हुई, विवाह दे बंधन विच बन्नी उड़िया, और परमात्मा दी तपस्या नहीं करी सकी। पर जब फरीद होया ना, ते मना सोचा एदी अखें कन्नै उस परमात्मा ही दिखना। जदों एक प्यो दे अगे पुत्र हुंदा नी, पर प्यो भी अपने पुत्रा दे विच अपनी छवि लभदी, पूरी छवि लभदी, और जड़ी ती हुंदी नी मां ही अपनी छवि वो जड़ी ती दे विच लभदी। तां जिल्लै अगे ती होई जांदी नी, मां गी अपनी चिंता भुली जांदी लाने खाने दी, वो ती दी चिंता पई जांदी। जिल्लै ती गी दिक्खी लैंदी नी शैल इ'यां,
शैल कपड़े लाए दे, शैल बाल बाए दे, उदे अपने बड़ी तसली होई जांदी कि मैं शैल हाँ। और प्यो का भी उऐ हिसाब है, जिला अपने पुत्र की दिखता नहीं शैल दुध पींदे, घ्यो खांदे, शैल शरीर, शैल सेहत, तो प्यो की तसली होंदी, इं लगता ये नहीं है, ये मियां है। मां ने मेवे बंडे बंधु लो, मैं सुना दा माताओ अपने बच्चे कने नीच गल्ला नहीं करे, कमीनिया गल्ला नहीं करे। मैं अक्सर दिखी हाँ माता अपने बच्चे ही पाठ पढ़ा दियाँ, बच्चा दादी दादे दी बड़ी खिच करता नहीं, जिद करता नहीं मैं दादी दादे कने सौना, मैं दादी कने सौना, तो माँ खिच खिची आँदी, दादा लाड़ लांदा, दादी लाड़ लांदी, ते नू इल्जाम लांदी, बगाड़ी उड़िया सी, बगाड़ी उड़िया सी। दादी दादा कोई बगाड़ दे ना, बगाड़ दे नहीं है, उंदा दिल टूटी दा उंदा, उंदा क्यों ही दा उंदा दिल टुटी दा हुंदा, अपना पुत्र हुंदा नहीं उहदे कोला दिल टुटी दा हुंदा, इह सोचिया मेरा पुत्र किश बन गई, इहदे नखट्टू निकलिया, अगे पोत्र है किश, उहे सपना पोतरे विच दिखणा शुरू करी उठदे। दादी बिगाड़दी नहीं है, दादा बिगाड़दा नहीं है, और मावा की आखदियां अपने बच्चे सुनांदियां उन्हें, बच्चू जो दी गोदी तू बढ़ना नहीं पले पले, ये जड़ी तेरी दादी नहीं जड़ी तेरे कने बड़ी चंगी बनती, मी रुट्टी नहीं दिंदी, मी घरा बाहर कड्डी उड़दी ही। ये लियां गल्लां सिखाणियां बच्चे, वो बच्चे के करंगण मैं ये दसो, कुछ करंगण उन्दे मन अंदर जहर भरा दियो, उन्हें इत्थों तक गै रखना तुसें कि रिश्तेदारें दियां गल्लां करी उड़न जां ताए चाचे दियां गल्लां करी उड़न, सिर्फ इत्थों तक रखना तुसें बच्चे, बच्चे अग्गे नहीं बदन देना। बंधु भगवान श्री कृष्ण की माँ ही ना जड़ी, जिल्लै सवालदी ही नहीं भगवान कृष्ण की, गोदी पाना सवालना, और जिल्लै सवालना ना रामायण की कथा शुरू कर लैनी, जिथे कृष्ण भगवान ने सही आना उत्थे गै कथा बंद करी लैनी। दूए दिन जिल्लै मुड़िए सवालना, जिथों का कथा छड्डी दी हुंदी सी ना रामायण की, उत्थों का गै शुरू कर लैनी मुड़िए कथा। जो माँ बच्चे ही बनाई सकती ना, वो दुनिया का कोई गुरु नहीं बनाई सकता। ये बहम ही है दूसरे फलाने गुरु के चेले बनी आ गए, खरे तो दूर पुजी आ गया, ये छड़ा बहम ही है। जो तुस बनाई सकते हो ना अपने बच्चे, दुनिया का कोई गुरु नहीं बनाई सकता। इसलिए बच्चे ही अपने ही आपू दिखो, आपू थोड़े अंदर संस्कार पर उंदे अंदर, उंदे अंदर परमात्मा का नाम पर। मी चेता जदों मी निक्का हा स्कूला जाना, तो साढ़े ग्रां सप्ताह बैठे दा हुंदा, तो इं सड़क होंदी ही, तो जिल्लै मी जाना तो दी निकली जाना, साड़ी माता उन्हें जिल्लै घर जाना नहीं, तो उन्हें आखना जिल्लै छुट्टी हुई तू गया हा उधरे, महा आहो तो मत्था की नहीं टेकिया, महा मी स्कूला वाला हा। है बच्चू ब्यास गद्दी जिथे भी बनी दी होनी, जिल्लै ओहदे अगू दा लंघियै जाना नहीं, ओहदे भावें लागे नहीं गै आना, भावें दूरा गै मत्था टेकियै फिर ओहदे कोला लंघियै जाना, बगैर मत्था टेके दे लंघियै नहीं जाना। अज मिगी समझ आउंदी ओह गल, बुजुर्ग कहे सहज स्वभाव, और बुजुर्ग का कहा व्यर्थ ना जाए। बुजुर्ग जेड़े होंदे नी दादी दादा, जिल्लै उंदे पैरें हाथ लाना होवे आखदे बड़ा बड़ा होवे,
ਵੱਡਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਆਫਿਸਰ ਗਰਾਂ ਦਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਰਪੰਚ ਕੋਈ MLA DDC ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹਾ ਆਖਿਆ ਨਾ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਮਿਗੀ ਆਖਦੀਆਂ ਬੱਚੂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਅੱਗੂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਨਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ ਜਾਣਾ ਬਿਆਸ ਗੱਦੀ ਜਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਿਆਸ ਗੱਦੀ ਪਰ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀ ਉੜਿਆ ਕਿ ਬੱਚੂ ਇਸੇ ਬਿਆਸ ਗੱਦੀ ਕਾਰਨ ਤੇਰੀ ਕਦਰ ਪਾਉਣੀ ਤੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰਨਾ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਮੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਸੇ ਦਾ ਸਪਤਾਹ ਬੈਠੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲੰਘੀਏ ਜਾਣਾ ਨਾ ਮੀ ਅਗਰ ਉਦਨੇ ਤਾਂ ਬਿਆਸ ਗੱਦੀ ਗਈ ਪੱਕਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਬਿਆਸ ਗੱਦੀ ਨੇ ਮੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਿੱਚੀਏ ਜੰਦੇ ਖਿੱਚੀਏ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸੀ ਜੰਦੇ ਖਿੱਚੀਏ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਲੀ ਉੜਿਆ ਬੰਦੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਐਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਗ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਟਾਈਮ ਭੰਨਾ ਦਿਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖਰਾਬ ਖੁੜੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਖਰਾਬ ਉਹਨੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਬੰਦੂ ਫਰੀਦ ਆਖਦੇ ਮਾਂ ਤੂੰ ਮੇਵੇ ਵੰਡਾ ਦੀ ਮੈਂ ਰੋਆਦਾ ਤੂੰ ਮੇਵੇ ਵੰਡਾ ਦੀ ਆਖਾ ਦੀ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਣਾ ਰੱਬ ਕੀ ਦਿਖਣਾ ਦਿਖਣਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਮਿਲਣਾ ਨੰਗੇ ਪਿੰਡ ਰੌਗਾ ਰੌਗਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰੌਗਾ ਜਿੱਥੇ ਦਿਨੇ ਵੀ ਸੂਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਪੁੱਜਦੀ ਰੌਗਾ ਰੌਗਾ ਰੁੱਖੇ ਦੇ ਸੈਲੇ ਪੱਤਰ ਖਾਣੇ ਪਾਉਣੇ ਬੱਚੂ ਸੀ ਦਿਖਣੇ ਤਾਂ ਏ ਖਾਗਾ ਆਖਦਾ ਖਾਗਾ ਕੰਨੇ ਕੰਨੇ ਰੋਆ ਦਾ ਕੰਨੇ ਕੰਨੇ ਆਂ ਕਰਾ ਦਾ ਖਾਗਾ ਹੇ ਬੱਚੂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੀ ਵੀ ਛੱਡੀਏ ਜਾਣੇ ਪਾਉਣਾ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾਗਾ ਮਾਂ ਜਾਗਾ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ 12 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਈ ਆਏ ਫਰੀਦ ਗਿਆ ਹੀ ਆ ਅੱਜ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੇ ਤਾਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸਿਰਫ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਾਡੇ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੂਤਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਪਏ ਉਹਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਆਏ ਡਰ ਭਰਿਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਅਤੇ ਸਵਾਲਣੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈ ਉੜਨੇ ਹਾਂ ਸਹੀ ਆ ਬਾਹੂ ਨੇ ਆਈ ਜਾਣਾ ਹੀ ਉਹ ਬਾਹੂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਈਏ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਭਰੀ ਉੱਡਦੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਆਖਣਾ ਮਾਂ ਹੀ ਮਾਂ ਬਾਹੂ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਹੀ ਦਿਓ ਬੱਚੇ ਹੀ ਲਾਲਚ ਦੇਈਏ ਗਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਲਾਈ ਲਓ ਚੁਕਾਈ ਲਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨੇ 'ਚ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇਖੋ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸੰਤ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਮੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਬਾਵੇ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਦੇਣੇ ਬੰਦੂ ਚਿੱਟੇ ਜਿਹੇ ਮਖਾਣੇ ਦੇਣੇ ਬੜੇ ਸਵਾਦਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਖਾਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਾਫੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਆਣੇ ਇਆਂ ਟਾਫੀ ਇਆਂ ਪਕੜਾਓ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਆਂ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਦਿਆ ਹੁਣ ਚਿਪਸ ਕੁਰਕਰੇ ਪੀਜ਼ੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਹੋਈਏ ਅਦੋਂ ਉਹ ਬਿਸਕੁਟ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਚਨਾਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਖਾਈਏ ਰੱਜ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੂ ਚਿੱਟੇ ਜਿਹੇ ਮਖਾਣੇ ਦੇਣੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮਖਾਣੇ ਲਈ ਜਾਣੀ ਸਕੂਲ ਚਲੀ ਜਾਣਾ
जिल्लै स्कूल अद्धी छुट्टी होनी नी मुड़ी आनी मत्था टेकना नू मां जी की बाबा जी सुते दे होंदे हे सुते जगाना बाबा जी असें मंदर मत्था टेकिया सानू प्रसाद दिओ बावे ने मुड़िए प्रसाद देना जिल्लै छुट्टी होनी नी मुड़िए जाना मत्था टेकना बाबा जी मंदर मत्था टेकिया सानू प्रसाद दिओ उन्हें मुड़िए मखाने देने बंधुओ शामी खेडने ही आना मुड़िए मखाने लैने प्रसाद की सारी करामात है ये संतें की करामात है ये मंदिरें की करामात है बंधु मंदिर व्यर्थ नहीं है संत व्यर्थ नहीं है। अदू लालचा लालचा कने मत्था टेक दे आज कोई लालच नहीं है। एक टाइम ऐसा होना तुसें भी लालच होना जो छोटे छोटे होंगे हो गए लेकिन आज तुसें कोई लालच है नहीं है अपनी मर्जी आए देना अपनी मर्जी सेवा करा देना परमात्मा दी वियावान एक घोर जंगल विच कोई तपस्या करदा सी बारा साल दी उम्र उसदी किसे कोलो ना डरदा सी बियावान जंगल च बेहिया तपस्या करता है दिने भी सूरे दी लो नहीं पौंदी है बंदू शेर भालू चीते एडे एडे लम्मे अजगर फिरा दे लेकिन डर ना दी कोई चीज नहीं है उदे कोल क्योंकि उस परमात्मा दी लगन लगी है जो परमात्मा दी लगन लगी होंगी ना सच्ची फिर डर नहीं हो लगता अली साड़ी लगन है कच्ची इसलिए डर लगता है जिंदी नौकरी पक्की वो ये दी नहीं वो कुत्थे डर देना है वो जिल्लै दिल करे उल्लै छुट्टी मार लेंदे पर जेड़े बेचारे कच्चे ने डर दे हो की पता कुल्लै बाहर कड्डी उड़ना सानू जेड़े परमानेंट हो ये दे ना उन्हों डर दे है बारह साल तू उस बालक ने मन बिच डेरा लाया है रुखां दे उने खाके पत्ते अपना चट लंगाया रुखे दे सैले पत्र खंदा बंदू पर परमात्मा का नाम लैंदा आदा मी कोई स्वाद लाने ताए खड़े आएगा मैं परमात्मा ही मना आएगा अपना चट लंघाना है ढिड भरना है सैले पत्ते कने अपना ढिड भरद है वो राम राम आखदा है एक दिन बैठा बैरी थले थले आसन पिया लगांदा सी चिड़िया ने सी रोला पाया मन उसका कबरांदा सी एक दिन बैरी दे बूटे हेठ बैठे दा समाधि लादा चिड़िया रोला पा दियां ध्यान नहीं लान दिया दियां और उसी डर लगा दा डर की लगा दा जे इं गै परमात्मा का नाम लैंदा रहा तो एक दिन परमात्मा ने मेरे सामने आई जाना है पर चिड़ियो तुस ध्यान नहीं ला दिया नहीं लान दिया दिया जे मिगी उस परमात्मा ने इतों का ठाली उड़िया ना तो फिर परमात्मा नहीं हो मिलना मिली चिड़िया मस्त सी अपने रंग विच गीत प्रभु दे गांदिया कहन लगा मर जाओ
चिड़ियो ओ पल विच मर जाम दिया। वो चिड़िया भी राम राम आखदियां, फरीदगी समझ नहीं आ रही। सवेरे डंगर बछे दिखने आ ग्वाली पेदे होंदे, साढ़े ताएं ग्वाली पेदे ने ते की पता राम राम जपा देना है, सानू थोड़े पता है। बंदो खरबूजे दिखिए खरबूजा रंग बदलता है। जिस ग्रां सियाने बजुर्ग कट्ठे होइए नी बोड़ी दे थले ताश मार दे, जात जमदे दे है ना उत्थे भी, पर नैले दैले गै जमदे, सिर्फ नैले दैले दी गै पहचान रौंदी होनी। जनानियां घा बड्डा दी होंदियां, काम करा दी होंदियां, आपू दिखना होए ते इयां लगदा ही होंदी आलदी इयां लक टुटे दे होंदे ने। केड़ी वड्डी शर्म दी गल है, बंदा ताश खेडी आदा उठा दा कि नहीं है ते जनानी घा बड्डा दी सारा काम करा दी। लख लान ते ऐसी जवानी की ते ऐसे बंदे होने दे उपर, बंदे आला काम जनानी करा दी। चिड़िया मस्त सी अपने रंग विच गीत प्रभु दे गाम दिया, कहन लगा मर जाओ चिड़ियो पल विच मर जाम दिया। चिड़िया रौला पा दिया, फ्रीज जी ने आख्या चिड़ियो मरी आओ, वो चिड़िया उस वेले मरी जा। फरीद दिखिए हैरान होइए, मैं आख्या चिड़ियों मरी आओ मरी इ'यां, इहदा मतलब है मी परमात्मा मिली भी गेदा है, पर मी पता भी नहीं मी परमात्मा मिली भी गेदा है। हाली मिलिया नहीं, हाली रिद्धि सिद्धियां दित्तियां, जांचिया हा भगवान ने दिखो ते सही डामा डोल होंदा जां नहीं होंदा। जदों कुसा दे जागत शैल नंबर लिए पास होंदे नी दसवीं चा, महाराज 98% 96% बड़े खुश होंदे माँ प्यो, और रिश्तेदारें कन्नै नाराज होई जंदे, दिखो जी साढ़े बच्चे ने 96% नंबर लैते और इन्हें कोई सानू मुबारख नहीं दिती, साढ़े बच्चे पर कोई बांडरा नहीं कीता, गुस्से कन्नै लाल होई जंदे। फिर मामे आउंदे मामी आउंदियां, इं भी गुस्सा मामे मामियों के उपर बड़े तौले जाता है ना। फिर वो आते बांडरे करते, महल आले भी करते, बगाने भी करते, तो दसवीं च 96% 98% और बारहवीं च इं खिच खिच के पास। एक करामात पता कह दी हुई, जेड़ा उतावला पढ़ना आई नहीं पहले यदि करामात हुई, बच्चे ने पढ़ना शैल पढ़ना, बारहवीं बिचा भी 96% गै लैने हुंदे। देख फरीद बड़ा दंग होया, मुख ते लाली शाई ए, अपने मन विच सोचन लग्या होगी सफल कमाई। जेड़ा जिन्नी जल्दी काला पई जांदा नी ओह रही जांदा उत्थू जोड़ा के रही जांदा। एक बारी अस गए बरात खाने ताए, अज ते कोई बराती जांदा ही नहीं है, तरले करिए लेइए जाने पौंदा। महाराज अस 100 बंदा आखे दा, भला 100 बंदा लेइए जाना है ते इत्थे 50 भी पूरे नहीं होंदे, चलो महाराज चलो महाराज। पर एक टाइम वो होंदा हा महाराज, आए कोला 40-45-50 साल पिछा चली जाओ, इं इंतजार करते हे महाराज कुसा दा ब्याह है, शांति वाली धाम होनी ते उस दिन सवेरे रुट्टी खानी नहीं है, ना इतो ये है बाल चुपड़ी है ना तेला कन्नै ते बेही जाना होंदा घर जाइए, अज धाम खाड़ी है। बंदू बरात खान गए हे ते पहले बारी खान गया, मैं अपनी गल सुना दा, बरात पहले बारी अदू नवा नवा सोडा चले दा,
ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਲਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੋਡਾ ਧੁਆਦਾ ਮਾਰਾ ਉਹ ਜਿਲ੍ਹੇ ਸੋਡਾ ਪੀਤਾ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਸੋਡੇ ਦੀ ਫਿਰ ਖਲਾਸੀ ਕੌਣ ਕਰਾ ਮਾਰਾ ਬਸ ਸੋਡਾ ਪੀ 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 ਅਦੂ ਸੋਡਾ ਨੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁਣ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸੋਡਾ ਸਾਡਾ ਪੀਏ ਨੀ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਲੀਏ ਇੰਨੇ ਸਟਾਲ ਲੱਗੇ ਦੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਖਾ ਰਹੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਰਾਤ ਖਾਧੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਂ ਸੋਚਿਆ ਖਰਾ ਹੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੀਣਾ ਹੀ ਬਸ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਹਿ ਖਲਾਸੀ ਛੋੜ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇਗਾ ਅੰਦਰ ਜਾਈਏ ਦੇਖ ਕੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬੜਾ ਕੁਛ ਚੱਲ ਸਹੀ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਦਰ ਦੇਖੇ ਇੰਨੇ ਸਟਾਲ ਲੱਗੇ ਦੇ ਔਰ ਬਰਾਤ ਵੀ ਮਾਂ ਨੇ ਖਾਣ ਗਏ ਦੇ ਅਸ ਲੋਕ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾ ਫਿਰ ਫਿਰੀਏ ਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਧੋਖਾ ਹੀ ਆ ਯਾਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬਰਾਤ ਆਈ ਇੱਕ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹੀ ਸੁਣਾਇਆ ਮਹਾਂ ਬਰਾਤ ਆਈ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਲੱਗੇ ਦਾ ਹਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਮੀਂਹ ਬਰਾਤੀ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਭਰਾਵਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜੇ ਕਾਲਾ ਨੇਹਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਖਾੜਾ ਹੈ ਇਹ ਉਤਾਵਲਾਪਣ ਕਾਲਾਪਣ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛਾ ਸੁੱਟੀ ਉੱਡਦਾ ਬੰਦੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇ ਉਹ ਫਰੀਦ ਪਈ ਆ ਕਾਲਾ ਅਲੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੁਛ ਸਿਆਣੇ ਪੁੱਛੋ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਆਖਦਾ ਮੀਂਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮੀਂਹ 100 ਸਿੱਧੀਆਂ ਕੀਤੀ ਸੀ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੂਰੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਨਾਰਾਇਣ ਭਗਵਾਨ ਦੇਤੇ ਹੈ ਸਿੱਧੀਆਂ ਔਰ 18 ਕਿਸੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦੇਤੇ ਵੋ ਸਿਰਫ 8 ਦੇਤੇ 8 ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ 18 ਦੇਈ ਉਹਨਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋ ਸਹੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਬਣੀ ਆ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੁਸ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਇਹ ਪੁੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਬੰਧੂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਆਖਣਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਓਮ ਨਮਾ ਸ਼ਿਵਾਏ ਜਪਣਾ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜਪਣਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਕਰੋ ਹਾਂ ਤੁਸ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਕੁਹਾ ਦਾ ਘਰ ਵਿਗਾੜਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੇ ਕੁਹਾ ਦਾ ਘਰ ਸਵਾਰਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਫਰੀਦ ਬੜਾ ਦੰਗ ਹੋਇਆ ਮੁਖ ਤੇ ਲਾਲੀ ਛਾਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋ ਗਈ ਸਫਲ ਕਮਾਈ ਜਿੰਦੀ ਸ਼ੈਲ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆਖਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਭਾਈ ਵੀ ਲੈਦਾ ਕਦੋਂ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਤੁਪਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੂੰਹਾਂ ਘਰਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀਆਂ ਨੀ ਫਿਰ ਆਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਲੰਚ ਤਿਆਰ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਡਿਨਰ ਦੀ ਅੱਗੇ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਪੈਸੇ ਜੋੜੀ ਲਏ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਪਾਈ ਲਈ ਬੰਦੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
परमात्मा किश हो रहा है। अपनी करनी नाल मैं फिर मैं मुइयां चिड़ियां जगावांगा ओ करामात हो गई मेरे बिच हुन कर वापस जावांगा। अपनी करनी करना है मुइयां चिड़ियां जगानियां ने हुण करामात हुई परमात्मा ही पाई लिया हुण घर वापस जाना है। आए परमात्मा ने छल करी उड़िया ओहदे कन्ने अद्धे रस्ते जां ठालिए भेजी उड़िया रस्ता रस्ता टुर पिया जदू प्यास ने बड़ा सताया है इधर उधर देखन लग्या पानी नजर ना आया है। रस्ता रस्ता टुरी पे अपने घरे जागा उतरे लगी पई पानी नजर नहीं आवा जुनै परमात्मा मिले दा हुंदा उन्हें त्रेह लगदी उन्हें भुख लगदी नहीं लगदी। साढ़े शास्त्री महाराज गी भगवान मिले दा ही आ उन्हें ना जिंदगी च त्रेह लगी ते ना भुख लगी बंधु ना उन्हें कुसा ने कदे बंधु सुते दे दिखे उन्हें दूर सी एक पिंड सी दिखदा ओदे बिच जा बड़े आए ओ परदी सी रंग रतड़ी पानी ओदे कोल जा खड़े आए। एक ग्रां लब्भा उत्थे दिखिया एक देवी खूह भरा पानी भरांदी हो पर पानी रोड़ी जावे ओ फरीद वल तके ना सौगा गर उस नार ने खिची ना अकी ना थकी सौ गागर पानी खूह दे विचा बाहर कढ़िया रोड़ी उड़िया ना अक्की ते ना थकी। फरीद आखा दा मेरे वाली दा दिखा दी नहीं मी पानी पिला दी नहीं। फरीद बोले फरीद सुन सचिए नारे दो घुट पानी पिलाड़िए ले लया शरीवाद मेरे कुल सदा सुहागन रेड़िए हे सचिए नारे दो घुट पानी पिलाए मी त्रेह लगी दी मैं त्रेह आए दा और आशीर्वाद ले ले सदा सुहागन रहो। जो अपने मुख से मिठू मियां बंदे वो कुछ भी नहीं होते जेड़े अपने मुँह मिठू मियां बंदे नहीं वो कुछ भी नहीं होते बंदो। दालीदान नहीं दिखिया मुड़िए पानी रोड़ी आ गई। फरीद उन जोरिए बोलिया बोले फरीद सुन सचिए नारे दो घुट पानी पिलाड़िए ले लया
आशीर्वाद मेरे कोल सदा सुहागन रैड़ी। और दिखिया फरीद आली दाते असी पानी पीना तू बैठ जा साया, ओ पानी दूर पजारिया, सेली मेरी दे कर अग लगी उस दी अग बजारिया। मी पता है तुसें बड़ी त्रेल लगी है, लेकिन फरीद जी थोड़ा चिर ठहरी हो। मेरी सहेली ही गरीब जी माड़ी जी ओदे कुल्ले अग लगी ओदा कुल्ला फकोई आ, मी ओदी अग बुझाई लैन दिओ फिर तुसें पानी पिलाने। फरीद महाराज गुस्से च लाल हुई आ, आखा तू मी पागल बनाया, मैं पागल हाँ? संते महात्मे कन्ने लोग मजाक करदे। खाली माफ करियो, मैं मजाक नहीं कीता, मैं झूठ नहीं बोलिया, मैं सच बोलिया। मेरी सहेली दे घर अग लगी दी है, उदी अग बुझाई लैन दियो फिर मैं तुसे पानी पिलानी हां। फरीद आखदे झूठ मारा है तू, तू मजाक करा रही है। आखा दी फरीद जी मैं झूठ नहीं मारिया, जे झूठ मारिया ते सुनो हाँ हूँ झूठ ते नहीं मार लगेंगे, मेरी अगली गल सुनो। मोया चिड़िया तू जगाया, बाजी जित के हार गया, बारह साल दी करके बंदगी पल विच रब बसार आया। आखा दी मिगी तेरी त्रेह नहीं लब्भा दी, पर मैं तरस बड़ा पा तेरे। मोइयां चिड़ियां तू जगाइयां, बारह साल परमात्मा दी भगती करी है, हारिये ते घरे आई है। ओ पागला तेरे कने छल होई आ, तेरे कने कपट होई आ, परमात्मा ने तेरे कने छल करी उड़िया। मोइयां चिड़ियां जगाइयां तू, बाजी जित्ती ले दी ही, जित्ती दी बाजी राई उड़ी। रिद्धि सिद्धियां दित्तियां ना परमात्मा ने, जे काला नहीं पाउंदा ते उस परमात्मा ने तेरे सामने आइए खड़ोई आना सामने। तेरे उपर ते बड़ा तरसा वाला, फरीद दे पैरे दे इठा मिट्टी निकली। आखदा हे सच्ची नारे उत्थे दे मी हाँ, वो चिड़िया ही हाँ, और तू कुत्थे ही, तू ही कियां पता लगी आ, तू कियां जानी लिया। मेरी करनी बुझली अड़िए, अपनी करनी दस अड़िए, दस दे सारी गल खोल के, रब की मैं कीता बस अड़िए। मेरी करनी मेंटे च बुझी ले, पर अपनी करनी दस, रब की कियां बस च कीता। बारह साल नंगे पिंडे रिया, सर्दी गर्मी सहन कीती, रुखे दे सैले पत्र खादे, पूरी पूरी टिल मारी, पूरा जोर लाया, मैं उस परमात्मे ही नहीं पाई सकिया। फरीद दा दुख, फरीद दी हालत, जां फरीद जानदा है और चाहे वो परमात्मा जानदा बंधु हो। जब एक मां गर्भवती होती है और गर्भ दे विच उहदे जीव है और उसी कियां पालदी है, जे सिर पीड़ों दी हुंदी टिक्की नहीं खांदी,
मेरे गर्भ च जिहड़ा जीव है उसी दुख नहीं होया। जे कोई नमक तेज है मर्च तेज है नहीं खांदी मेरे बच्चे ही तकलीफ नहीं होया। गर्भ दे विच बच्चे कियां पाला दी है और जिस वेले बच्चे का जन्म होने वाला है उस वेले गर्भ नष्ट हुई आ उस माँ का दर्द कौन जानता है। वो माँ जानती है जे दुनिया नहीं जान सकती है चाहे परमात्मा जानता हो। जिस बच्चे ने पूरे साल मेहनत की है खूब मेहनत की कोई ब्याह नहीं गया कोई खेडन नहीं गया लास्ट में जल्द फेल हुई है बेचारा उस बच्चे का दुख उस बच्चे का दर्द तो उ जानता ना। मेरी करनी बुझले अड़िए अपनी करनी दस अड़िए दस दे सारी गल खोल के रब की में कीता बस अड़िए सोन महीने आई मुकाल में ओ किस्सा पहली रात दा ओ पति मेरे ने पानी मंगया बेलासी परवात दा। आखा दी ब्याह मेरा निक्की होंदे हुई आ पर सौन महीने मेरे घर आला लैन आया हा मी ते मैं दफेरा कट्टिए घर आई ही। ब्याह दी पहली रात ही 4 बजे का समय हा सवेरे का ते मेरे घर आले ने पानी मंगिया हा। मैं रसोई गई पानी का गिलास आंदा भरी है और अपने घर आले दे अग्गे कीता जिल्ले दिखिया घर आला सही भी गया मैं आख्या मना हूँ के करा जे घर आले ही ठालनिया उठो स्वामी पानी पियो फिर भी पाप लगी जाता घर आला सुते दा होया अपने फायदे टाइम ठालना होया ते पाप होंदा। बंदू घर आला भी के जेड़ा भी कोई सुते दा होया ना उसी अपने फायदे टाइम ठालना होया नी पाप होंदा उदे विच उदा फायदा होया उदा लाभ होया फिर भावे ठाली उड़ो उसी। जे बंदा समाधि ला ना ज्यादा बंदे होंदे ना ऐसे कई बंदू कई बंदे ऐसे होंदे होने परमात्मा की बड़ी लगन होंदी बड़ी लगन होंदी उंदी जनानी खरे घट होए उन्हें बंदे ही मती होए ते कई खरे जनानी बड़ी लगन होए ते खरे बंदे ही नहीं होए। सोचो जे बंदा समाधि लाइए बैठे दा होया ते जनानी आ दी उठो हुण खाना सेरी तेरा जा जाइए काम कर जाइए ते उहे हाल जे जनानी पूजा पाठण होया जे थोड़ी जी देरी होई आ ते बंदा खरे जनानी दे उपर खैं खैं कीते दा पई आ लेकिन बंदे इन्नी समझ नहीं कि खरे ओदी जनानी ओदी लम्मी ताएं ओदी लंबी आयु ताएं उस परमात्मा अगे विनती करा दी है हे परमात्मा कोई दुनिया च दुख होगना मिगी दे जुड़िया ये मेरे घर आले नहीं देना। इन्ना उस नदानगी नहीं पता है अपनी घर आली दाड़ा मारा दा ठाला दा। सच्चे मुच्चे बंदू ये जिन्निया माताएं दियां ना ये अपनी सुख मंगन नहीं आई दी अपने बच्चे की सुख मंगन आई दी अपने घर आले की सुख मंगन आई दी अपनी ने कोई चिंता नहीं कोई टेंशन नहीं है। और जे बच्चे जाइए घर गाला देंगन घर आला गाला देग तो फिर परमात्मा ने पूछना दस हाँ की करा इंदा भी तुसें तो फिर भी ये गल आखनी नहीं मेरे घर आला है मेरे बच्चे नहीं लेकिन इंदा भी तो कोई धर्म बनता नहीं
ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲਈ ਖੜੋਤੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਉੜਿਆ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਠਾਲਣੀ ਆ ਉੱਠੋ ਸਵਾਮੀ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਪ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਗਲਾਸ ਜਾਈਏ ਰੱਖੀ ਓੜਨੀ ਆ ਸਹੀ ਓੜਨੀ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਪ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰੀ ਉੜਿਆ ਮੇਰੀ ਮੀਂਹ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਆ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 8 ਵਜੀਏ 9 ਵਜੀਏ 10 ਵਜੀਏ 12 ਵਜੀਏ ਸ਼ਾਮੀ ਦੇ 8 ਵਜੀਏ ਰਾਤੀ ਦੇ 12 ਵਜੀਏ ਜਿਲ੍ਹੇ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਮੁੜੀਏ 4 ਵਜੇ ਨਹੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਭੱਜੀਏ ਗਈਆਂ ਪਰ ਮੇਰਾ ਘਰਾਲਾ ਐਸੀ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦਰਾ ਸੁੱਤੇ ਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮਿਗੀ ਪਤਾ ਪੂਰਾ ਲੱਗਾ ਲਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਉੜਿਆ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਭਗਵਾਨ ਜਿਲ੍ਹੇ 24 ਘੰਟੇ ਹੋਏ ਮੁੜੀਏ ਸਵੇਰੇ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਭਗਵਾਨ ਜੁਸੀ ਫੇਲ ਕਰੇ ਤੂੰ ਉਹ ਪਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਪਾਸ ਕਰਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੇਲ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ 4 ਵਜੇ ਜਾਗ ਆਈ ਦੂਆ ਦਿਨ ਜਿਲ੍ਹੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਦਿਖਿਆ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲਾਂ ਵੀ ਮਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੂੰ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲਈ ਆਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚਿੜੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਡੁਆਣੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਜੁੜੀਆਂ ਉਹ ਛੜੀਆਂ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੋਤਾ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਂ ਦਿਖਿਆ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਪਰ ਤੂੰ ਅੱਧੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਉੱਠੀਏ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਾ ਸੱਚੇ ਮਨਾਂ ਕਨ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਰੇ ਪਤੀਬ੍ਰਤਾ ਨਾਰੀ ਸੀ ਬੜੀ ਪਤੀਬ੍ਰਤਾ ਨਾਰੀ ਸੀ ਕਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਤਾ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀ ਪਤੀਬ੍ਰਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੀ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਆਖਦੀਆਂ ਜਾਂ ਠਵਾਲਗਣ ਇਹਲਾ ਹਾਂ ਸਹੀ ਰਵਿਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਖਾਧਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਥਾਲੀ ਇਹ ਛੰਡਾ ਮਾਰਦਾ ਉਹ ਪਤੀਬ੍ਰਤਾ ਨਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੂ ਉਹਨੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਵਗੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ ਗੁਣ ਦਿਖਿਆ ਪਰ ਇੱਕ ਪਤੀਬ੍ਰਤਾ ਨਾਰੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੱਚੇ ਮਨਾਂ ਕਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੋਲੇ ਕਨੇ ਦਾਣੇ ਕੁੱਟਾਦੀ ਸੀ ਬੰਦੂ ਇੰਨੇ ਚਿਰੇ ਉਹਦੀ ਆਈ ਇੱਕ ਸਹੇਲੀ ਉਹ ਵੀ ਕੋਲ ਪਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਾਣੇ ਕੁੱਟਾਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੋਲੇ ਕਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਆਈ ਆ ਬਾਰਾ ਉਹਨੇ ਫਟਾਫਟ ਮੋਲਾ ਛੱਡਿਆ ਛੱਡਿਆ ਕਿੱਥੇ ਪਤਾ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਹਵਾ 'ਚ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਮੋਲਾ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਖੱਲ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਟਾਹ ਨਹੀਂ ਫਟਾਫਟ ਗਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲੈਤਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਘੁੱਟ ਪਲਾਇਆ ਮੁੜੀਏ ਮੋਲਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਗਿਆ ਫੜਿਆ ਉੱਪਰਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਾਣੇ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਗੁਆਂਢਣ ਦੇਖਿਆ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕੋਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੂੰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕੁਸਾ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਮੋਲਾ ਉੱਪਰ ਕੇ ਕਈਆਂ ਰਿਹਾ ਹੇਠ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੱਚੇ ਮਨਾਂ ਕਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਇਹਦਾ ਮੋਲਾ ਉੱਪਰ ਰੱਖਾਂ ਖੱਲ ਰੱਖਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਦਾਲੀ 'ਚ ਖਰਾ ਮੀ ਉਹ ਲੂਣ ਪਾਂਗ ਨਹੀਂ ਖਰਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਲੂਣ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਖਰਾ ਲੂਣ ਮਤਾ ਸੁੱਟੀ ਉੜਾਂ ਔਰ ਤਾਂ ਵੀ ਦਾਲੀ 'ਚ ਲੂਣ ਮਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਇਹਦਾ ਜਦੂਆਂ ਦਾ ਸਭ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆਖਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਮੇਰਾ ਮੋਲਾ ਵੀ ਉੱਪਰ ਰਹੋਗ ਜੇ ਮੀਂਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੱਚੇ ਮਾਡਾ ਕਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਗੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਮੋਲਾ ਵੀ ਉੱਪਰ ਰਹੋਗ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜਾ ਕੋ ਲਾਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਕੋਲਾ ਸਵੇਰੇ ਕੋਲਾ ਇਕੱਲਾ ਕੋ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੱਚੇ ਮਨਾਂ ਕਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੋ ਲਾਣੀ ਅੱਜ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖੋਈ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਆਲ ਬਾਨ ਜਾਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ
अपने घर आह्ले आखन लगी स्वामी जी जलाल बाई आओगे हो नी मैं मोले कन्नै दाने कुट्टा दे होना तुसें आंदे पानी का गलास मंगना होग। उन्हें सोचा अज की हुई है इसी अज पहले गै आखा दी है। जल्ले बेचारा आया हागै जल्ले दिखिया मूले कन्नै दाने कुट्टा दी इन्नी खुश कोई हिसाब नहीं बंधु खुशी कह दी पता मूले दी कि मेरा मूला उपर रौना है। जल्ले घर आला आया नी उन्हें सोचा चलो दो मिनट पक्खे हेठ जन्ने आ थोड़ी हवा खड़ने आ फिर पानी मंगने वो दाने कुट्टा दी घर आला पक्खे दा अगे लेटिया उहदे कोला सलोई भी गया ते सुते दे होइए दो घंटे ते घर आली बेचारी लगी ही इंतजार करन आवाज मारनी ही मेरे पति देव ने सी मोएगी मेरा कोई ख्याल नहीं मेरा कोई ध्यान नहीं पता नहीं के किश आखिया उसी बेचारे दाने कुटी कुटिया उहदियां बाहां चढ़ी गईआं। दो घंटे बाद जाग आई नहीं घराले घराले ने आखिया अज नहीं खलासी होंदी हाय लड़ाई बनी चलो हुण बनक अगे भी बनती पर मारो आवाज हुण घराले ने आखिया देवी जी पानी पिलाओ आखिया मोया हुण चेता आया तुई मेरा हुण ते मी कोई पानी पिलाया लेकिन फिर भी सोचिया नहीं चलो घराले पानी पिलानी हुण सोचिया मोला थोड़ी उपर छड्डा मती उपर छड्डा जां मती उपर छड्डा ते महाराज मोला ते मोला दा हुंदा फिर उन्हें आखिया मेरा मोला केड़ा खल आना है जियां उपर छड्डिया नी ते मोला कुत्थे बख्शदा है सिरा ही बजा ते सिर गया फटी ते दाड़ कितें डिगी पई आखा दी ओ मरी घर आला दौड़िया जल आया दिखिया सिर सुर फाड़ी लेदा उन्हें आख्या के कीता ई उन्हें आख्या मोआ तेरा कसूर है सारा तेरा बेड़ा रुड़िया उन्हें आख्या दाने कुट्टा दी जां सिर कुट्टा दी ही गई ओहदे कोल आखा दी सच सुना तेरा मोला उपर गै रौंदा मेरे आले दे के सीन बनाए दा इत्थे हुण सुना के लोकें जाइए की होया की सुना मोला मारिया सिरा पर मी कि आ गई मेरे घर आले ने मारिया मी ओह कुछ ने यकीन नहीं करना क्योंकि एक दो तौण ते मी लाई उड़नी घर आले मेरी गल्ला कुछ ने यकीन भी नहीं करना लोग पुछा दे की आखा मैं उन्हें आखिया आखना के ही है सच्चे मना कन्नै सेवा की होंगी तेरा मोला भी उपर रौला आखा दी मैं भी सच्चे मना कन्नै की उन्हें आखिया मनिया सच्चे मना कन्नै गै सेवा की लेकिन सच्चाई पता की है लोकें ही यकीन नहीं कराना होंदा जदों उस परमात्मा ही यकीन होई जांदा नी फिर मोला कुसा दा उपर गै रौंदा। अस जो किश करने आ नी दान दप्पड़ पूजा भगती लोकें ही दसने ताईं करने आ लोकें ही यकीन कराने ताईं करने आ लेकिन यकीन कराना उस परमात्मा ही जदों उस परमात्मा ही होई आ सारियां गल्लां बन गईं। सौन महीने आई मुकाल में किसा पहली रात दा पति मेरे ने पानी मंगया वेला सी परवात दा फरीद साईं जी चढ़ गए कोड़ी माने शादी लायाए प्यार दे नाल कोल बिठा के कंगा सिर विच बायाए जिया फरीद जी गेड़ा
ते माँ ने दिखिया मेरा पुत्र आई आ, बारह साले बाद घर आया। माँ ने छाती कन्ने लाया ते फरीद ने अपनी माँ की गोदी दे विच सिर सुट्टी उड़िया। बालें हाथ फेरिया माँ ने, जिले दिखिया जटा बनी दियाँ, कंगा लैता एक बारी सिरा च मारिया कंगा, दर्द नहीं हुई। जिले दूई बारी कंगा फेरिया नहीं, फरीद की दर्द हुई और मां दा बंदगोत्रा निकली है। दूजी बार जदू फेरिया कंगा, दर्द फरीद नू होई ए, मां ने किया सुन लो बेटा जो कीती सब खोई। मां ने फरीदा सिर पुटिया दे दिखिया, रोई रोई है, अखां लाल होई दियां, मां दी गोदी भी गिल्ली करी उड़ी दी। रब नहीं मिलिया, हे मां नहीं मिलिया। रुखे दे सैले पत्तर खादे खादा, नंगे पिंडे रिया सर्दी गर्म सहन कीती। मिगी ते नेहा उत्थे चेता कीता, आखदा नहा कीता, फिर मैं नहीं मिलिया। फरीद भी रोआ दा ते मां भी रोआ दी है, रोआ दी की है, परमात्मा नहीं मिलिया। अस भी रोआ दे आ बंधुओ, की माया नहीं मिली है, उस नारायण की कोई नहीं रोआ दा है। सारे रिश्तेदार कट्ठे होए दे, ताए चाचे मामे मासियां सब कट्ठियां होए दियां, सारा दिया दे नहीं मिलिया रब, कोई गल नहीं आपे फिर मिली आग। ओदी मां ही आखा दे समझदार बन, अपने हथे रुटी खला फरीद की। बंधु छप्पन प्रकार दे भोजन मां ने बनाई है फरीद ताए रखे दे। बारह साले बाद मेरे फरीद ने अन्न का दाना मूंह च पाना है। जिले सारे आखन लगे लै हुण ग्राई खुआंट, पर फरीद दे मूंहा च पा, मां नहीं पा। फरीद गी आख्या तू ग्राई खुआंट ते अपनी मां दे मूंहा च पा। फरीद ने जियां ग्राई खुआंटी नहीं ते मां ने ग्राई फड़ ली, आखा दी ए इकड़ी ग्राई ना मी खानी ना तू खानी, तेरे भागे अन्न नहीं है। दे तेरे भागे अन्न हुंदा ना तुसीं परमात्मा दे दर्शन हुंदे। बच्चू रुट्टी एकड़ी नहीं खानी, रुट्टी ओकड़ी खानी अज जेड़ी तेरी मां तुगी रुट्टी पकाइए देगा। मां ने रखे सीने ते पत्थर, ओ काठ दी रोटी बनाई रस्सी दे बीच परोके, गल फरीद दे पाई। लकड़ी कड़ी गोल रस्सी परोई, फरीद गलाए पाई उड़ी, आखा दी ये रुट्टी है, जा तपस्या कर। जदू भुख लगना रुखे दे सैले पत्तर नहीं खाए, रब ने के पता मिलना ही नहीं मिलना ही, तो रुखे का कियां मंगाना ही। जिले भुख लगगी सी टक मारिया इसी खाया, रुखे दे सैले पत्तर नहीं खाया। हूं दिखनी तेरा परमात्मा मिलता जा तू ही नहीं मिलता। सब तू बड़ी गुरु मां है बंधु, जो मां बनाई सकती ना। मैं पहले भी त्रै बारी आखी चुकिया कि दुनिया का कोई गुरु नहीं बनाई सकता। जिना रुखां दे पत्ते खादे, ओ भी तैनू रोंदे ने, रो रो के मेरे बेटा अंजुआं दे हार परोंदे ने। मारवा दी ते फरीद अथरू पूंजा,
मां खादी मेरे अथरू नहीं देख, वो रुख भी रोआ दे आखा दे जुसी अपना आप खिलाया उसी फिर परमात्मा नहीं मिलेगा। मां ने रखिया सीने ते पत्थर, काठ दी रोटी बनाई रस्सी दे विच परोके गल फरीद दे पाई। महाराज सारे जने फरीद दी मां दे उपर पईए कह कह करिए, तू मां है जाए दी दुश्मन है तू, ये लिया मामा होंदिया मामा की कर दिया पुत्रें रोली उड़ दिया, तू अपने पुत्र पर कोई तरस नहीं आवा दा, तू अपने पुत्र पर कोई दया नहीं आवा दी, सारे निखरा दे फरीद दी मां है, तू पागल होई गई दी है, तू शदैन होई गई दी है, फरीद रोआ दा हथ जोड़ा दा आखा दा 12 साल भगती कीती और कुहा गल दी समझ आई जा नहीं आई, लेकिन एक गल दी समझ आई है मिगी, मेरी मां पागल नहीं है। जेड़े लोग परमात्मा पिछे फिरदे वो पागल नहीं होंदे, 12 साल भगती कीती वो परमात्मा नहीं लब्बा, वो परमात्मा नहीं दिखिया, लेकिन एक गल्ला दी समझ आई, जेड़े लोग परमात्मा दे पिछे मारे मारे फिरदे उस परमात्मा ताए खाक शान दे वो लोग पागल नहीं होंदे, मेरी मां पागल नहीं, मिगी जो किश आखना आखी लाओ, मेरी मां गी किश नहीं आखियो। फरीद साई जी चढ़ गए कोड़ी, हक हकीकत जान गए, 12 साल दी करके वंदगी रब दी जोत पहचान गए। 12 साल पहले भगती कीती, 12 साल फिर भगती कीती, फिर उस रब दी जोत की पहचानिया बंधु। बिच समय ऐसा भी आया जदों फरीदगी लगा मिगी नहीं परमात्मा ने मिलना, मिगी रब ने नहीं मिलना, उस वेले रोंदा फरीद कन्ने कन्ने रोंदा और कन्ने कन्ने गल्ला करदा, हे कागा मेरे ऊपर एहसान करो, मेरा शरीर मेरा मांस नोची नोची अखाईड़ो, मेरिया अड्डियां ये टुकी टुकी अखाईड़ो, मैं घर नहीं जाना, मिगी भगवान नहीं लब्भने, मैं घर नहीं जाना, मैं एक बारी बगैर भगवान की दिखे दे गया हा, मी अपनी माँ की बड़ा दुख दिता हा, हूँ मैं दुख नहीं देना, हूँ ता जाना जे परमात्मा मिलग ता जाना, नहीं मिलग फिर नहीं जाना। कामे कन्ने गल्लां करा दे बंधु, इन्ने कां कुत्थों दा आईए, कां नहीं है वो परमात्मा आई दा उहदे लागे, पर उसी नहीं समझे ये कां है जां परमात्मा है, ते रोआ दा आखा दा एहसान करो, मेरा शरीर नोची नोची अखाईड़ो, बाहां उपर चुकी ले दियां काम ठूंगे मारा दे, मास नोची नोची अखा दे। वो टुक टुक खामी हड्डियां, चुन चुन खामी मांस, एक ना खामी अखियां, मैनू राम मिलन दी आस, मैनू एकड़ी आस तो सही नहीं है, है बोलो मेरे कर, ओ मैनू राम मिलन दी आस, मैनू मैनू राम मिलन दी आस, मैनू। बंधुओ
ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਖਾਂ ਚਮਕਾਦੀਆਂ ਨਾ, ਕਾਂ ਆਵਾ ਦੇ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰ ਬਾਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਾਦਾ, ਆਖਦਾ ਇਹ ਮਨ ਬੜਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖਦਾ ਤੇਰੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਅੰਨੀ ਆਉਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੀਂਹ ਤੁਸੀਂ ਆਖਣਾ ਆਓ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਖਾਈ ਉੜੋ, ਮਾਸ ਖਾਈ ਉੜੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਖਾਈ ਉੜੋ। ਦੂਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਖਦਾ ਜੇ ਤੇਰਾ ਭਗਵਾਨ ਆਈ ਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨੇ ਦੇਖਦਾ ਹੇ ਕਾਗਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮਾਸ ਨੋਚੀ ਨੋਚੀ ਖਾਈ ਉੜੋ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਘਰ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਲੇ ਭਗਵਾਨ ਕੰਨੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਫਰੀਦ ਦੀ, ਦਿਖਿਆ ਭਗਵਾਨ ਗੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਲੇਕਿਨ ਭਗਵਾਨ ਗੀ ਦਿਖੀਏ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਚਿਹਰਾ ਮੁਰਝਾਇਦਾ ਘਰਿਆ। ਆਏ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਦਿਖੀਏ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਦਿਖਿਆ ਜਿਸੀ ਮੀਂਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਚਿਹਰਾ ਮੁਰਝਾਇਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਗਵਾਨ ਪੁੱਛਦੇ ਫਰੀਦ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਖਿਲਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਮੁਰਝਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਆਖਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਮਿਗੀ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੀਏ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਮਿਗੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਵੇ ਵੰਡੇ ਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮੇਵੇ ਵੰਡਣੇ ਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਭਗਵਾਨ ਉਦੋਂ ਬੁੱਢੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅੱਖੇ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਭਦਾ ਹਾਂ, ਹੁਣ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਣੀ, ਉਹ ਰੇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਕੋਹਦੇ ਕੰਨੇ ਬਣਾਈ ਲੈਣੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਆਖਦੇ ਬੱਚੂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਣੀ ਹੈ, ਜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਛੱਡੀ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਇਆਂ ਗਾ ਹੋ ਆਲੀ ਵੀ ਜਾ, ਇਕੜਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਣਾ ਜਿਲੇ ਤੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾਏ ਤੇ। ਬੰਧੂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਰੀਬੀ ਦਿਖਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਭਾਗਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਲੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਮਕਾਨ ਕੋਠੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸ਼ੈਲ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਅਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਲੇ ਉਹਨੇ ਦਿਖ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹ ਗੋਲਡਨ ਟਾਈਮ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਘਰ ਗਿਆ ਬੰਧੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ MES ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਠੇਕੇ ਚੁੱਕੀ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਤੁਸ, ਆਖਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਸ਼ ਕਹਿਦਾ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਆਸ ਸਾਡੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ 4 ਵਜੇ ਉੱਠੀਏ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਹਾਂ ਕਿਹਾਂ ਪਾਲਣੇ ਕਿਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਗਰੀਬੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਅਸ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਗ ਆਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰਜਾਈ 'ਚ ਮੂੰਹ ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅਸ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਣੀ ਜੋੜਾ ਬਣਾ ਪਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਗੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦੇਣੀ ਭਾਵੇਂ ਦਿਹਾੜੀ ਹੀ ਲੱਗੇ ਨਾ। ਅੱਜ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣੀਏ ਅਸ ਲੇਕਿਨ ਦੱਸਣੀ ਕੁਸੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਕਰੀਏ, ਪੈਸੇ ਕੁਸੀ ਦੱਸਣੇ, ਨਾ ਮਾਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਪਿਓ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਝਾਂਕੀ ਮਾਰੀ ਉੜਿਆ ਪਿਓ ਝਾਂਕੀ ਮਾਰੀ ਉੜਿਆ ਨਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇਈ ਉੜ 'ਚ ਅਸ ਇੱਕ ਝਾਂਕੀ ਮਰਵਾਉਣੇ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੁੱਤਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਅਸੀਂ ਦਿਖੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬੰਧੂ ਬੱਚਾ ਬਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਈ ਰਵਾਈ ਹੈ ਮਾਰਿਆ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੀ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਇਆਂ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਆਈਦਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧੇ।